रुक सर, अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच लो। अब क्या सोचना है बच्चों? आप नहीं चाहती कि सबके सामने जारा की बेइज्जती हो? चाहते तो हैं। शादी वाले दिन हमारी जो बेइज्जती हुई थी, हम उसे भूले नहीं हैं। इसलिए जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना। बच्चों, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है। बड़ी बहू जी, हम खीर का सामान ले आए हैं। तो खीर क्या हम यहाँ बनाएंगे? बावर्ची खाने में बनेगी ना खीर, तो सामान वहां लेके जाओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? बच्चों, आप ही ना कमाल करती हैं, जो दिल में होता है उसे चेहरे पे ले आती हैं। आपको आपके जज्बात काबू करना बिल्कुल नहीं आता। अरे अब हमने क्या किया? अरे क्या जरूरत थी उसे डांटने की? लोगों को दिखाओ कि आप उनकी खुशी में बिल्कुल खुश हो, मगर अंदर अंदर क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारे जैसा बर्ताव करो। ज्यादा दादी अम्मा मत बनो, तजुर्बे की सुनो, कभी कभी अपनी अहमियत दिखानी पड़ती है रुखसार, वरना लोगों को फायदा उठाने में वक्त नहीं लगता, समझे? रुखसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीनत कहाँ है जी? हम यहाँ हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के फंक्शन की वैसी ही तैयारी कर रहे हैं जैसा आप चाहती हैं। सारी के सारी तैयारियां ये रुखसार ने ही तो की है। खुश रहो बेटा। एक रात ससुराल में कैसी रही कबीर? ठीक थी रुखसार। आप लोग बातें कीजिए, जरा काम है हमें। ठीक है बेटा। जारा बिटिया, तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज तुमको बहुत अच्छी खीर बनानी है। हाथ लगाए की रस्म है ना? जी अम्मी। किचन, किचन में सारी तैयारी हो गई? जी अम्मी, सब ठीक है। खाना बन चुका है और खीर का सारा सामान रख दिया है, दूध उबाल दिया है, चावल भिगो दिए हैं, बस ड्राई फ्रूट्स कट रहे हैं। अच्छा, मगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज की कमी ना रह जाए तो आप एक बार देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा, अगर कोई कमी रह गई तो मोहल्ले वाली 100 बातें सुनाएंगी। जारा के हाथ की बनी खीर वो लोग पहली बार खाएंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि हर जुबान पर जारा के लिए तारीफ और दुआएं निकले। हम किचन में देखकर आ जी। माफ कीजिएगा, आज आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आज आपकी छोटी बहू की तकदीर में बदनामी लिखी जा चुकी है।